सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको कभी सोने नहीं देते। इन दो लाइनों ने हमें पूर्व राष्ट्रपति और अजीम वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी जिंदगी का फलसफा समझा दिया है। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी के दम पर इंसान कैसे अपने मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा हासिल कर सकता है और कैसे तमाम रुकावटों के बावजूद भी मेहनत और लगन के दम पर आगे बढ़ा जा सकता है। आज कलाम साहब की पुण्यतिथि के मौके पर हमें उनकी जिंदगी को जानने और समझने की फिर से कोशिश करनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अब्दुल फकीर जैनुलबुद्दीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर अब्दुल कलाम की पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम खानदान में हुआ था। उनके वालिद यानी कि पिताजी जैनुलबुद्दीन एक माहक यानी कि नावक थे और उनकी माँ अशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। कलाम साहब के खानदान की माली हालत बहुत ही खस्ता थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ गया था। अपने वालिद की मदद करने के लिए छोटी उम्र में ही कलाम साहब स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ ही अखबार बांटने का काम भी करते थे। उनके अंदर कुछ सीखने की भूख तो बचपन से ही थी और वो पढ़ाई करते करते कई कई घंटे गुजार देते थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुर मेट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी करी और उसके बाद तिरुचुपल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में ग्रेजुएशन पूरी करी। उसके बाद 1955 में वो मद्रास चले गए, जहाँ से उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करी। 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। साल 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ओहदा संभाला। उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को बनाने में अहम किरदार निभाया है, जिसका लॉन्च बाद में बहुत ज्यादा कामयाब रहा था। 1980 में हिंदुस्तान हुकूमत ने एक एडवांस मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी के डायरेक्शन में शुरू करने का सोचा, इसलिए उन्हें दोबारा से DRDO में भेजा गया। उसके बाद इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कलाम जी की चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी की क्यादत में ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल जैसी मिसाइलों की तश्कील वजूद में आई है। अब्दुल कलाम जी जानते थे कि एक मुल्क में पढ़ाई लिखाई की क्या अहमियत होती है। उन्होंने अपनी किताब इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में लिखा है, हिंदुस्तान को साल 2020 तक एक सुपर पावर बनना होगा। सन 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान के फिर से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने फौरन ही बिना देरी करे APJ अब्दुल कलाम और राजगोपाल चिदंबरम को एटॉमिक बम के टेस्टिंग के लिए हरी झंडी दिखा दी। कलाम साहब ने हरी झंडी मिलते ही अपनी टीम के साथ काम शुरू कर दिया, पर सबसे बड़ी मुसीबत थी अमेरिका की सैटेलाइट, जिससे बचना बहुत ही मुश्किल था और जो मिशन में सबसे बड़ी अड़चन बनी जा रही थी। अमेरिका की सैटेलाइट हिंदुस्तान के एटॉमिक बम के सपने को एक बार पहले ही चूर चूर कर चुकी थी। अब्दुल कलाम जी का यह बहुत पुराना सपना था कि हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश बन पाए। पोखरान में सफल परीक्षण करते ही हिंदुस्तान का नाम कलाम जी ने दुनिया की सुपर पावर में शामिल कर दिया था। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में जब APJ अब्दुल कलाम अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहे थे, तभी उन्हें वहां पर स्टेज पर कार्डियक अरेस्ट का एक अटैक पड़ा और वो आखिरी समय था जब APJ अब्दुल कलाम हमारे बीच थे। हिंदुस्तान APJ अब्दुल कलाम को कभी नहीं भूलेगा, वो हमारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।